हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और आज जो है, मैं आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार दिखाने जा रही हूं। सो थोड़ा सा मुझे लगता है विष्णु जी गुस्से में बैठे हैं क्या उधर को मुँह करके। हाँ, तो ये जो पोशाक है ये ना हमें उन्होंने भेजी थी। किसने भेजी थी? नहीं नहीं, रूपा जी ने भेजी थी। हाँ जी, ये रूपा जी ने भेजी थी राधा कृष्ण जी के लिए। इनफैक्ट उस समय उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था, उन्होंने ये 12 इंच के राधा कृष्ण जी के हिसाब से भेजी थी, जबकि अपने राधा कृष्ण जी 8 इंच के थे, ये बहुत बड़ी हो गई थी। सो लक्ष्मी विष्णु जी बेस पर बैठ के लेवल पर आ जाते हैं, हैं उन्हीं के नाप के, लेकिन जब अपने चरण कमल पर बैठते हैं, जैसे कि इस समय विराजित हैं आप देखेंगे, तो ये इस पर बैठ के लेवल पर आते हैं। तो इसलिए ये लहंगा थोड़ा ठीक आ गया, थोड़ा सा मैंने इसे छोटा करने की कोशिश की है। सो जो इनकी चोली थी वो तो इन्हें आने से रही नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से कुछ इनका श्रृंगार किया। आप देख सकते हैं विष्णु जी को पगड़ी लगाई है, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि पगड़ी उन्होंने बना के भेजी थी, इसलिए मैंने पूरा श्रृंगार किया। सो लक्ष्मी जी का श्रृंगार बहुत अद्भुत हुआ है, बहुत अलग हुआ। इनका कलश कहाँ कर दिया? देखें ज़रा, हमारी लक्ष्मी जी का कलश कहीं कर दिया। अभी हमको उसको भरना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको भर के। इसमें मैं गेहूं भरूंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी धन के साथ साथ वैभव की भी लक्ष्मी होती हैं, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि आप उनके हाथ में कलश जरूर रखें, पुष्प की जगह धन का कलश रखें, ये शुभता का चिन्ह होता है। सो मैंने इस तरीके से कलश रखा है, बहुत सुंदर लग रही है ना। सब लोग कहते थे आप कलश बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जो भी ईश्वर है और ईश्वर का जो स्वरूप है, खैर सभी स्वरूप बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं किसी में कोई कमी होती है या कोई कम अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता, सभी बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक अलग बात हो जाती है। सो वो है, खैर, आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, या यूँ कहिए कि मेरी किस्मत है कि ऐसे सुंदर सुंदर श्री विग्रहों का श्रृंगार की और सेवा की जो है वो मौका प्राप्त हो रहा है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये श्रृंगार नवरात्र स्पेशल है। सो वो मैंने आपको करके दिखाया, चूँकि पोशाक आई हुई थी, रखी हुई थी, और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें इतने दिल से, प्रेम से, मेहनत करके पोशाक बनाकर भेजे और वो मैं उन्हें पहना ही ना पाऊँ। सो ये कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड वाली बात हो जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो आता है कोशिश करती हूँ अपने के पहना के दिखा दूँ। कभी कभी ना क्या होता है, पोशाक रख के भूल जाती हूँ, तो पहनाना भूल जाती हूँ। जैसे एक हमारे कान्हा क्रिएशन करके भैया, मुझे कितनी सारी पोशाक याद ही, पोशाक पहनाना नहीं, भूल जाती हूँ, दिमाग से ही निकल जाता है। कुछ पोशाक मिली नहीं रही, मैंने कहीं रख दी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो अब बहुत जल्दी जल्दी सभी पोशाकें मैं पहनाऊँगी, चूँकि अब नए राधा कृष्ण जी की स्थापना, ये वीडियो जब आएगा हो सकता है तब तक हो चुकी हो या होने वाली, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। और जैसे भी होगी आपके साथ सब कुछ अपडेट शेयर होती रहती है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, तो अपडेट के लिए मस्ट आप मुझे वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आप देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।